पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब को दी हुई धमकी पाकिस्तान को भारी पड़ गई। पाक के रिश्ते सऊदी से खराब होने पर आ गए हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। ऐसे में तलखी दूर करने के लिए सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा सऊदी पहुंचे हैं, जिससे वे अपने संबंधों को भी सुधार सकें और कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब का साथ मांगने पर भी चर्चा कर सकें। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान कश्मीर पर रोना बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसे रूप बदलने में जरा भी समय नहीं लगता है। पाकिस्तान ने कश्मीर विषय पर इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने का बार बार अनुरोध किया, लेकिन संगठन ने उसकी मांग पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अपनी बौखलाहट में हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को धमकी दे डाली कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर अलग से बैठक बुला सकता है, जिससे पाकिस्तान की परेशानियां और बढ़ गईं और सऊदी अरब पाक से इतना खफा हो गया कि उसे इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ गई। ऐसे में अब बिगड़ते रिश्तों को सुधारने के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने सऊदी अरब पहुंचे। सऊदी अरब द्वारा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का रुख खारिज किए जाने के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो गया है। अब इमरान खान ने अपनी गलतियों पर माफी मांगने के लिए सेना प्रमुख को हिमायत करने के लिए वहां भेजा है। भारत द्वारा पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने पर जोर देता रहा है। OIC के 57 सदस्य हैं। हालांकि OIC की तरफ से पाकिस्तान के अनुरोध पर अब तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। सऊदी अरब की कश्मीर मामले पर चुप्पी। OIC से सकारात्मक जवाब नहीं मिलने के लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि सऊदी अरब इस पर इच्छुक नहीं है। OIC में किसी भी महत्वपूर्ण फैसले के लिए सऊदी अरब का समर्थन महत्वपूर्ण है। इस संगठन पर सऊदी अरब और बाकी अरब देशों का दबदबा है। ऐसे में पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की धमकी पाकिस्तान को इतनी महंगी पड़ी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी। इसके साथ पाकिस्तान को सऊदी से लिए हुए करीब $6 बिलियन के कर्ज को भी चुकाना पड़ रहा है, जिसमें चीन पाक की सहायता कर रहा है। अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए करीब $6 बिलियन का वित्तीय पैकेज देने का ऐलान किया था। इसमें $3 बिलियन की नकद सहायता शामिल थी, जबकि बाकी के पैसों के एवज में पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई की जानी थी। पाकिस्तान सऊदी अरब को $3 बिलियन कर्ज के बदले $1 बिलियन की राशि वापस कर चुका है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद से पाकिस्तान भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाने के लिए कई कोशिशें कर चुका है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया और दुनिया भर में उसकी छवि खराब हो गई। यही कारण है कि सऊदी से अब अपने संबंधों को सुधारने के लिए और कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरब का समर्थन पाने के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा अब सऊदी अरब पहुंचे हैं। पाकिस्तान ने पहले सऊदी को कश्मीर मामले पर बैठक बुलाने के लिए धमकी दी और जब सऊदी ने उस धमकी का जवाब दिया तो पाक को इसकी बहुत बुरी कीमत चुकानी पड़ी। अब पाकिस्तान जानता है कि सऊदी अरब से संबंध बिगाड़ने पर उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, तो पाक सेना प्रमुख संबंध सुधारने वहां पहुंच गए हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी इस चाल में भी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के भारत से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में सऊदी अरब इस मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ कभी नहीं देगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।